बिना किसी मशीन के इस मसाला मटरी को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत झटपट बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी लच्छा मसाला मटरी। इसे बनाने के लिए किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बिल्कुल कम मेहनत लगती है। चलिए देखते हैं लच्छा मसाला मटरी कैसे बनाते हैं। मैदा, महीन वाली सूजी दोनों को मिला के अच्छे से छान लीजिए। छान लेने के बाद इसमें डाल देना है काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से मसल के डालिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें नमक भी डाल दीजिए। नमक डाल लेने के बाद 2 टेबलस्पून घी को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है और गर्म गर्म ही इस आटे में डाल देना है। चम्मच से मिक्स कर लीजिए। अब हाथों की सहायता से अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेना है। आटा बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, गर्म नहीं लेना है। आटा इस तरह का होना चाहिए। ढक के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद आटे को निकाल के एक बार फिर से गूंथ लीजिए। इसकी 2 बड़ी लोई तैयार कर लीजिए। अब बेल लीजिए। इसे बेलना आसान है क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट है। इस तरह से एक बड़ी रोटी बेल लेना है और चाकू की सहायता से कट कर लेना है। इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स तैयार कर लेने हैं। इस DIY मसाला लच्छा मटरी के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। अब इसमें से 4 से 5 स्ट्रिप्स इस तरह से हाथ में उठा लीजिए। दोनों हाथों में ले लीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए। देखिए इस तरह से। अब इसे राउंड में घुमाते हुए आपस में जोड़ना है। बहुत आसानी से और बहुत फटाफट बन जाती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो मोशन में दिख रहा है, पर आप इसे जल्दी बना सकते हैं। और दोनों सिरों को जोड़ दीजिए, आपस में दबा के चिपका देना है, नहीं तो ये तलते समय खुल सकती है। एक बार और देख लेंगे कैसे करना है। जब तक आप इस प्रोसेस को दोबारा से देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। सभी मटरी बन जाने के बाद तेल को गर्म कर लीजिए। गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे एक एक करके डालते जाना है और पलट पलट के तल लेना है। तलने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तलते समय भी आप इसे बनाना बहुत एंजॉय करेंगे। जैसे जैसे ये कुक होने लगेगा, इसके स्ट्रिप्स खुलने लगेंगे और ये मटरी एक फूल की तरह दिखने लगेगी। देखिए ये कितनी सुंदर दिख रही है। आप इसे जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तलते तलते जब इसका कलर इस तरह का हल्का सा गोल्डन हो जाए, इसे पेपर टॉवल पे निकाल लीजिए। बहुत देर तक गर्म रहने के कारण ये अपने आप धीरे धीरे और कुक होंगे और इसका कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। सभी बना लेने के बाद ठंडा कर लीजिए अच्छे से 3 से 4 घंटे। उसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखिए और 1 से 1.5 महीने तक इंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।